कंडीशंस हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है फिजिकल, किसी भी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल्स कर पाए, वो प्रैक्टिकल उसका एनिमेटेड रूप जो वहाँ टैबलेट में, मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट उसका एनिमेशन लगा है कि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं, और मेरे बच्चों ने पर्सनली उनको घर पे बना के देखा है, जो भी उनके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उन्होंने उसको बनाया, तो मुझे सबसे ज़्यादा यह। और एक वो एनिमेशन से उनकी थोड़ी सी याद करने याद रहता है। तो कोई एग्जांपल देंगे मैम, एग्जांपल देते हैं आपको बताया तो। सर एक बच्चा है मेरी क्लास में, उसने तो वो तो ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिकल करता है, वो तो ब्राइट स्टूडेंट है, बट एक बहुत ही मीडियोकर से भी नीचे ही है सर बच्चा, उसने साउंड एक ध्वनि टॉपिक था, उसमें साउंड पे उसने एक बाजा बनाया था, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि वो बाजा भी उसने बना दिया कि तुझे कुछ तो समझ में आया कि इसके अंदर कहाँ से साउंड आई है और कैसे उसने बीच में उसमें रबड़ लगाई थी, क्योंकि यानी इसमें टैब लैब में जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी डेली यूज़ कर रहे हैं, वो उस चीज़ को लगा रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत, उसके बाद से मैं भी बूस्टअप हुई और मैं भी फिर डेली मतलब मंथ ये वीक में 2 टाइम्स में जरूर लेके जाती हूँ। पिछला 5th, 6th, 7th हमने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा था, अगर हम इस समय टैब की सहायता से हम पिछले जो भूले हैं या फिर जो नहीं पढ़ा वो हम पढ़ सकते हैं, और प्लस हमें साइंस के कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे हमें टीचर सिखाते हैं क्रिएटिव आर्ट सिखाते हैं, जो समझ में नहीं आता है तो हम क्या टैब में बार बार पीछे लेके हम वीडियो देख के बार बार समझ सकते हैं, इसलिए टैब में हम समझ। मुझे इस टैब में से जैसे कि मतलब पुस्तक में ऐसा सिखाते वो ज़्यादातर इतना याद नहीं होता है, लेकिन ऐसा वीडियो देख के सिखाते ना तो एकदम तुरंत याद हो जाता है और दिमाग में भी फिक्स हो जाता है, और उसका जो हलचल भी रहता है ना वो दिमाग में रहता है, जब भी पुस्तक ऐसा देख के ऐसा पढ़ के सुनाते ना वो इतना याद नहीं होता है। बनाया हूँ इसका मतलब है, मतलब एक दूसरे बिल्डिंग जो बन रहा है वहाँ पर अगर सामान अगर ले कर जाते हैं शेड्यूल चढ़ते हैं उसको तकलीफ होता है, तकलीफ होने पर मतलब उसको मेहनत भी लगता है, फिर ऊपर से समय भी ज़्यादा लगता है, जो दूसरा बिल्डिंग जो रहता है उसके सहारे से हम लोग सामान भेज सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पर लेके जाएगा ऊपर लेके जाएगा उस बिल्डिंग से वो देगा, मतलब वो सामान वहाँ पर काम आसानी से हो सकता है। यह जो प्रोजेक्ट मैं बनाया हूँ यहाँ पर टैब है उसमें उससे देख करके अधिक करके मैं ये जानकारी प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद फिर ये प्रोजेक्ट बनाया हूँ। हमारे स्कूल में टैब्स प्रोवाइड किए हैं, पहले जैसे कि मैं आपको बताऊं अपनी हिस्ट्री, मेरी साइंस पहले बहुत वीक थी और मैं बहुत ही वीक थी साइंस में, जब से हमारे स्कूल में टैबलेट आए उसमें 2 सब्जेक्ट है मैथ एंड साइंस, तो मैथ तो हमने 9th में नहीं लिया बट साइंस लिया, साइंस में बहुत वीक था, मेरा साइंस में हाईएस्ट मार्क्स है 70 में से 66, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम, मुझे नहीं और भी लड़कियाँ हैं जो जिनको टैब साइंस में मैथ में बहुत वीक है अब उनका बहुत बेटर है। हाँ एशियन पेंट कंपनी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने टैब हमारे स्कूल को दिया है, मेरा स्लम का स्कूल है, किन कंपनी के द्वारा दिए गए टैब के कारण हमारे बच्चों में एक नए प्रकार का उत्साह आया है, उनकी पढ़ने की रुचि बढ़ी है, और जो बच्चे स्कूल में अटेंडेंस बराबर जिनके नहीं रहते थे टैब चलाने की वजह से उनके अटेंडेंस में सुधार हुआ है, और बच्चे दूसरे बच्चों से भी जाके बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्था है हमको टैब से पढ़ाया जाता है, और टैब के द्वारा जो बच्चे क्लास में अपने टीचर से बेसिक चीज़ों को पूछने में शर्माते हैं कि हमारे बच्चों में रिसल्टी होगी, वो बच्चे आसानी से टैब में उसको पढ़ लेते हैं और उनको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, जिससे आगे की पढ़ाई उनकी ठीक ठाक चलने लगती है, और 4 से 5 महीने के अंदर मैंने देखा कि हमारे बच्चों में 25% कम से कम इम्प्रूव हुआ है, इससे समाज में इस दलित बस्ती में हमारे स्कूल का सम्मान बढ़ा है, इस कंपनी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, ये कंपनी हमारे स्कूल के ऊपर इसी तरह से दया दृष्टि बनाए रहे।